रहेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए किया। शेख रशीद अहमद का कहना था कि कालेदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने लोग MPO के तहत गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का हमने फैसला किया है और दर्जा ब दर्जा उनकी रिहाई होती रहेगी। हमने कहा था कि मसौदा असम्बली में पेश करेंगे और वो हमने कर दिया। अब वजारत दाखिला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि क्वेटा में FC की जगह पुलिस ले रही थी और हमने 13 पोस्टें ख़त्म कर दी थी और क्वेटा का अमन बहुत बेहतर हो रहा था। ताहम 2 रोज़ कबल धमाका हुआ और ये नहीं कहा जा सकता कि इसका निशाना कौन था। ताहम निजी होटल के बाहर खुदकुश हमला हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, IG पुलिस बलोचिस्तान और FC को हदायत की है कि तमाम मुतलका हुकाम जो वजारत दाखिला के मातहत हैं उनसे कहा है कि वो फिल फोर अपनी सिक्योरिटी को देखें और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए अपना किरदार अदा करें। PK न्यूज़, इस्लामाबाद। यादगार स्वीट्स एंड बेकर्स की फखरिया पेशकश। हमारे यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ, गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, फ्रेश जलेबी, चाट, समोसा चाट, ताज़ा कतलमे, गर्मा गर्म हलवा पूरी दस्तियाब है। खुद भी आइए और दोस्तों को भी लाइए। हमारा तजुर्बाकार स्टाफ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक आपकी खिदमत के लिए मौजूद। यादगार स्वीट्स एंड बेकर्स, स्पार्क हिल, बर्मिंघम।